बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 19th लेक्चर ऑफ कोर्स कैलकुलस 2। आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने लेक्चर 18 में भी इंटीग्रल्स का पढ़ा था, लेकिन उसमें ये था कि हमें जो हमारे इंटीग्रल की लिमिट्स वगैरह होती हैं ये चेंज नहीं करनी पड़ रही थी। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आप डेरिवेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारे पास इधर होता cos x5 के साथ y की जगह पे अगर हमारे पास 5x^4 cos x5 होता, ठीक है, तब तो हम कहते हैं कि हम इसे डेरिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब इधर हमारे पास इस पावर का डेरिवेटिव नहीं मौजूद, जैसे कि इस कंडीशन में है, तो हम इसे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो? ये पॉसिबल है, लेकिन इस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमने क्या करना है कि हम चेंज ऑफ ऑर्डर की टेक्निक को इधर अप्लाई करेंगे। लिमिट्स उससे क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो अब इंटीग्रल हमारे पास किस रीजन के ओवर है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। और हमारे पास इधर x की क्या वैल्यूज हैं, जो लिमिट से हम देख सकते हैं कि x जो है हमारे पास वो इक्वल है अंडर रूट y के। सेकंड क्या वैल्यू है x की कि x इक्वल है 2 के। अब इस तरह से है तो इसका मतलब हमारे पास इस वैल्यू से हम अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो x स्क्वायर इक्वल होगा y के, और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। चेंज लिमिट्स दोनों की होंगी, लेकिन हमें y के अलोंग हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें y के लिए लिमिट्स चाहिए तो हम y के अलोंग पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। अगर हमें x के अलोंग चाहिए हो तो हम x के अलोंग पैरेलल स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं। हम इधर ही इसको बनाते हैं अपने टॉपिक के साथ ताकि हमें बातें क्लियर रहें। जैसे कि ये हमारे पास x और y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा 0 है इधर। अब x की वैल्यूज क्या है, हमारे पास x इज इक्वल टू 2, इधर 1 है तो ये 2 आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। और x इक्वल है 2 के कब, जब हमारे पास y इक्वल है 4 के, ठीक है, तो इधर आ गया 4। और अगली बात हमारे पास क्या है कि x square is equal to y, x is equal to under root y, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। हमने इधर क्या करना है, एक पैराबोला ड्रॉ कर लेना है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास x square is equal to y की। अब आपके पास x की वैल्यूज शो हो रही हैं, क्या है x की वैल्यूज, x is from 0 to 2, तो यानी आपके पास x इक्वल हुआ 0 के, x इक्वल हुआ 2 के। अब आप y की लिमिट कैसे लोगे, एक तो y इक्वल हो गया, सॉरी पहले इधर हम लेंगे एक पैरेलल स्ट्रिप क्योंकि हम y की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। इस तरह आपके 0 और 2 वैल्यूज आ गई x की। अच्छा, y की वैल्यूज के लिए क्या है कि एक तो आपका y इक्वल हो गया 0 के। अब इसके बाद जो दूसरी y की वैल्यू है वो आप इस तरह से लोगे कि जो आपकी पैरेलल स्ट्रिप है वो जिस लाइन को टच कर रही होती है उस लाइन की जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो इस वक्त ये पैराबोला की लाइन है, तो इसमें y की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर होती है, तो आपका y इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर के। तो ये आपकी न्यू लिमिट्स आ गई। अब इन न्यू लिमिट्स को अप्लाई करके आप दोबारा से अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन को लिखोगे और सॉल्व करोगे, और इसमें हमारे पास dy अब पहले आ जाएगा और dx बाद में चला जाएगा, क्योंकि dx को इवैल्यूएट करने के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए कि पावर का सॉरी एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ हो। अब क्या है कि i इज इक्वल टू लिमिट्स जब हमने न्यू वाली अप्लाई करनी है तो 0 से 2, और दूसरी लिमिट क्या है y की, 0 से x स्क्वायर y cos x5। ये हमारा क्वेश्चन एज इट इज आया, लेकिन चूंकि हमने लिमिट चेंज की हैं तो dy पहले आ जाएगा और dx बाद में आएगा।
वाई वाली सॉल्व करने के लिए द ब्रैकेट लगा लेंगे, या आप अपने नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। तो जब हम ये डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0 से 2 एज इट इज, 0 से 2 एज इट इज, और इसके अंदर y का डेरिवेटिव क्या होता है, y स्क्वायर हो जाएगा पावर में प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और cos x 5 एज इट इज आ जाएगा, और साथ लिमिट अप्लाई होंगे 0 से x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन हो रही है y की। हमारे पास जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह पे हमें लिमिट्स डालनी है तो 0 टू 2 एज इट इज, y स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और cos x 5 एज इट इज आ जाएगा, और dx। तो ये आपके पास बनेगा 0 टू 2 x 4 बाय 2 cos x 5 dx। अब आपके पास इधर क्या आ रहा है, x 4 बाय 2, जबकि हमें इधर क्या वैल्यू चाहिए, हमें इधर 5x 4 चाहिए, यानी अपने एंगल का डेरिवेटिव इधर चाहिए, तभी हम इसको एंगल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इधर क्या करेंगे, हम इसको अपनी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। उससे क्या होगा कि हम 1 बाय 2 को एज अ कांस्टेंट बाहर अगर लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय 2 0 से 2 x 4 cos x 5 dx। अब इसमें हम अपने 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 5 x 4 और डिवाइड में क्या बन जाएगा, 10। इस तरह आप 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे, अभी आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इस एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास बनी। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल x का इंटीग्रल लेना है, तो 1 बाय 10 और बाकी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, तो cos का डेरिवेटिव, cos का इंटीग्रल sin x 5। अब एंगल साथ मौजूद हो तो, एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसे इग्नोर करते और सिर्फ इसका इंटीग्रल आप लिख देते हो, साथ आ जाएगा 0 से 2। ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाय 10 अपर लिमिट साइन 2 का पावर 5 और माइनस साइन लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 5 है। अच्छा, तो 1 बाय 10 साइन 0 इज 0, साइन 2 रेज टू पावर 5 इज 32, तो साइन 32 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आप एंगल वाली इक्वेशंस को रिजॉल्व करते हो और पावर चेंज करके सॉल्व करते हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।